जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग की, जो कि यूपी वॉरियर्स वुमेन बनाम मुंबई इंडियन वुमेन के बीच ये मैच होने वाला है। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं, आपको लास्ट में मैं अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करता हूँ इस मैच में, तो बता दूं दोस्तों इस मैच में 10,000 रुपये का फ्री गिफ्ट रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन बनाम यूपी वॉरियर्स वुमेन मैच वेन्यू की। तो दोस्तों ये बता दूं, ये मुकाबला डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी मुंबई इंडिया में खेला जाएगा। फ्रेंड्स, बात करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो दोस्तों बता दूं ये वेटिंग पिच है, अभी तक टोटल यहाँ 2 मैचेस खेले गए हैं, जिन्होंने वेटिंग फर्स्ट की उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं जीता। फ्रेंड्स, बॉलिंग फर्स्ट की उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं। फ्रेंड्स, एवरेज स्कोर की बात करूँ इस पिच का तो दोस्तों 173 आया। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट की, जो यहाँ का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। फ्रेंड्स, 3.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ डॉक्टर डीवाई पाटिल स्पोर्ट एकेडमी के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो टोटल मैचेस 2 खेले गए हैं, जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किए उन्होंने एक भी मुकाबला नहीं जीता है। फ्रेंड्स, जिन्होंने बॉलिंग फर्स्ट किए उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 189 रहा है और सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 180 रहा है। फ्रेंड्स, हाईएस्ट टोटल अभी तक का इस स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो रहा है 187 एक विकेट के साथ, एंड हाईएस्ट चेंज जो स्कोर रहा है 173 एक विकेट के साथ रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन की प्लेइंग 11 की। यास्का वाटिया जो विकेट कीपिंग करेंगे दोस्तों मुंबई इंडियंस की ओर से, हेली मैथ्यूज, तालीस आयवर, हरमनप्रीत कौर जो कि दोस्तों मुंबई इंडियंस की कप्तान है, धारा गुज्जर, अमेलिया केर, अमनजोत कौर, होमेरा काजी, ईसा वोंग, जिंती मनी, सायका इसाके, दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ यूपी वॉरियर्स वुमेन प्लेइंग 11 की। तो एलिसा एली जो कि विकेट कीपरिंग और कप्तानी दोनों संभालती हैं यूपी वॉरियर्स की ओर से, देविका वैद्य, के पी नेफजायर, ग्रेस हैरिस, तालिया एमसीग्रत, सिमरन शेख, सोफिया एलिस्टोन, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत, अंजलि सरबनी, राजेश्वरी गायकवाड, दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि यूपी वॉरियर्स वुमेन की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन बनाम यूपी वुमेन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस जो कि गुड फॉर्म में है, रिसेंट मैचेस में अभी तक एक भी मुकाबला मुंबई इंडियंस नहीं हारा है दोस्तों 5 मुकाबले में से, तो इसके जीतने के चांसेस फिर भी ज़्यादा बनेंगे। तो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप मुंबई इंडियंस के अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है दोस्तों वो यूपी वॉरियर्स टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन बनाम यूपी वॉरियर्स वुमेन मैच एक्सपर्ट एडवाइस की। तो दोस्तों आप हेली मैथ्यूज को एज अ कैप्टन आप स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। 49 आइवर को दोस्तों आप एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपके लिए दोनों खिलाड़ी बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबले की। तो दोस्तों बता दूँ दोनों टीमों के बीच अभी तक एक ही हेड टू हेड मुकाबला हुआ है जो कि मुंबई इंडियंस ने ये मुकाबला जीत लिया था दोस्तों, और यूपी वॉरियर्स को इस मुकाबले में हार मिली थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन बनाम यूपी वॉरियर्स बनाम विनिंग प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों बता दूँ मुंबई इंडियन वुमेन जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है यूपी वॉरियर्स टीम से, तो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप मुंबई इंडियन वुमेन की अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ मुंबई इंडियंस के कुछ मुख्य खिलाड़ी की जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, ये खिलाड़ी ईसा वोंग जो कि एक 211 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं दोस्तों इस सीरीज में, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ हरमनप्रीत कौर की जो कि दोस्तों 292 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड, बात करता हूँ अमेलिया केर की जो कि दोस्तों 350 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं,
तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी साइकाइस, जो कि दोस्तों 438 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। नताली साहबा, जो कि दोस्तों पिछले मैच में इनका बेस्ट परफॉर्मर देखने के लिए मिला था, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट करिए। हेली मैथ्यू, जो कि दोस्तों पिछले मैच में बल्लेबाजी इनकी नहीं आई थी, लेकिन दोस्तों 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए थे बॉलिंग में, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ यूपी वॉरियर्स वुमेन के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। राजेश्वरी गायकवाड, के पी नेबजार, जो कि दोस्तों 155 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुकी हैं अभी तक, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तालिया एम सिग्रत, जो कि दोस्तों 280 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुकी हैं। ऐसा अली 283 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं दोस्तों, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी फ्रेंड्स। दीप्ति शर्मा, जो कि दोस्तों 287 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुकी हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। सोफिया एलिस्टोन, जो कि दोस्तों 365 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुकी हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ मुंबई इंडियन वुमेन बनाम यूपी वॉरियर्स वुमेन कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों आप हरमनप्रीत कौर को एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। अमेलिया कैर, जो कि दोस्तों 350 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ सोफी एलिस्टोन की, जो कि दोस्तों 365 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में। एंड बात करता हूँ साइका साके की, जो कि दोस्तों ज़्यादातर मैच में ये विकेट हासिल कर लेती हैं दोस्तों, 1-2 विकेट हर मैच में हासिल कर रही हैं, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में भी दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ नताली साइबर की, जो कि दोस्तों 485 फैंटेसी पॉइंट गेन कर चुके हैं अभी तक इस सीजन में, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग में भी, एंड वाइस कैप्टन आप स्मॉल लीग में भी इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। हेली मैथ्यूज की बात करूँ दोस्तों, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट हासिल किए थे, तो आप अपनी ड्रीम टीम में इनको एज अ कैप्टन स्मॉल लीग में, एंड वाइस कैप्टन आप ग्रैंड लीग में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में विकेट कीपर में यास्तिका भाटिया को सिलेक्ट किया है। बैट्समैन में मैंने हरमनप्रीत कौर, जी हैरिस एंड केपिन एब्जायर को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है। ऑलराउंडर मैंने एक है नताली साइबर, हेली मैथ्यूज, टी एम सी ग्रेथ को सिलेक्ट किया है दोस्तों मैंने। बॉलर में अयोंग, साइका इसाके एंड सोफिया एलिस्टोन को दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है अपनी ड्रीम टीम में। दोस्तों आप ये मेरे 11 प्लेयर देख सकते हो, जो कि मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं। बात करता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों मैंने कप्तान बनाया वो हेली मैथ्यूज को कप्तान बनाया, और वाइस कप्तान मैंने नताली साइबर को अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कप्तान बनाया फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर मिलेगा, तो जल्द से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।